अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक हूँ। बस मैंने मेडिकेशन स्टार्ट कर दी है, बस ये कि बस उदासी थी तो ये क्यों हो गया। आपको होता है ना कि मेडिकल कंडीशन हो जाए तो बहुत फिक्र हो जाती है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा परेशान ना हो, आज वो मुझे बाहर लेके जा रहे हैं शॉपिंग पे, मतलब ग्रॉसरी शॉपिंग पे, और हम लोग साथ साथ बच्चों की चीज़ें देखते रहते हैं। तो उन्होंने कहा चले आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, आपको पता है यहाँ पर कोई नहीं है हमारा, मतलब ना फ्रेंड है ना फैमिली, तो हम लोग ऐसे ही चले जाते हैं, ज़रा फ्रेशअप हो जाते हैं क्योंकि आप कुछ चीज़ें देख लेते हैं। आपको रिटेल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है यू नो औरतों के लिए, तो और ये साथ साथ वहाँ पर अच्छी कॉफ़ी मिल जाती है तो मुझे पसंद। मेरे हस्बैंड ने कहा चले आ चलें, कोई फिक्र मत करें, इंशाल्लाह मेडिकेशन करेंगी, अपनी हेल्थ पे तवज्जो देंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। तो हम लोग बस आज आए हैं, तो हमारे साथ ही रहना है आपने, और हमने आज बताने कि यहाँ पे क्या किस तरह ये चीज़ें, यहाँ पे पाकिस्तानी रेट कैसा है, मतलब कि जो हम लोग चीज़ें लेते हैं वो कितने की मिलती हैं अगर पाकिस्तानी करेंसी में देखें। तो आज हमारे साथ ही चलें, आपको पता ही कितना महंगा हो गया, 248 आई थिंक हो रहा है। तो आप देखिए हम लोग क्या क्या देख रहे हैं। देखिए ड्राई फ्रूट्स हैं, ये अदरक है, मतलब ये स्वीट अदरक है, मतलब यहाँ पे लोग ज़्यादातर अपने गला ख़राब हो तो यूज़ करते हैं, और आपको टॉफ़ीज भी मिल जाती हैं, बॉन बॉन कहते हैं इन्हें, और ये सब ड्राई फ्रूट्स आपको पता है सर्दियों की सौगात है। बीन्स हैं, ये स्टैचू थे, और ये के नज़रनस, और जितनी यहाँ पे ड्राई फ्रूट की वैरायटी है, पीनट्स भी, हमारी पीनट्स हमारे टन 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 सर्दियों में आ जाने वाले लोग याद आ गया। देखेंगे इतने का डेट्स 149 के थे, 279 के ये जो आपको फैंसी डेट्स लग रहे हैं वो थे। और ये फिग है, हमारी अंजीर बहुत अच्छी होती है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी है। देखेंगे ये प्राइस 2.99 के ये उसके थे, मूंगफली के प्राइस पीनट के। और इतनी प्यारी प्यारी वेजिटेबल्स होती हैं, कलरफुल होती है, मैं यूज़ करती हूँ। और ये मुझे बीन्स चाहिए थे, काफ़ी महंगे थे, 500 ग्राम्स के थे और बहुत ज़्यादा महंगे थे, तो मैंने कहा छोड़ो अभी नहीं लेती। और अदरक मुझे चाहिए थी, मुझे निहारी बनानी होती है, तो ये कि 0.69 का, मतलब एक आप थोड़ा सा पीस उठा लें तो वो है। आप देखिए पाकिस्तान के हिसाब से तो एक अगर डॉलर आप यूरो देखते हैं तो कितना ज़्यादा होता है, तो ये मतलब एक से कम है। तो 100 से ब्रेड एंड डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे वैरायटी ऑफ ब्रेड मिलेंगी, 1.89 की, 1.59 की, मतलब पाकिस्तानी आप 200-300 की जो ब्रेड है, और 0.59 की सबसे सस्ते दोनों समझ लें ये हैं, क्योंकि ये हाफ यूरो के हैं। और पाकिस्तान में भी आजकल जो अच्छी जगह पे डोनर मिलते हैं, हैप्पी डोनर्स वगैरह में 250-300 से स्टार्ट होते हैं, तो ये फिर भी हमें सही लगे। और जो हम लोग ब्रेड लेते हैं, जो अपनी बटर टोस्ट या कोई सिंपल ब्रेड लेते हैं, वो हमारी 1.19 यूरो की आती है, मतलब पाकिस्तानी 200 से ऊपर, मतलब 200-300 तक की। तो ये देखें ये जैम्स है, मैं जैम्स के बगैर, मैं बटर जैम की मुझे बहुत आता था, और इतनी महंगी है, वैगन बहुत महंगी होती है वेजिटेरियन, क्योंकि ये सोर्स देख के देखनी चाहिए कौन सा पेक्टिन यूज़ कर रहे हैं। तो ये वेजिटेरियन है, तो ये 2.69 की है, समझ लें ऑलमोस्ट 2.75 यूरो की हो गई। तो ये भी हो गया, मतलब 500-700 की हो गई। और पाकिस्तान में भी अगर आप अच्छी इंपोर्टेड जैम्स लेते हैं तो 500-700, पहले जब मैं पाकिस्तान में थी तो इम्तियाज से मिल जाती थी या हाइपर स्टार से, तो 500-600 की मिलती थी। तो ये भी यहाँ पे ऐसी नहीं है, वहाँ पे टैक्स भी लग जाता है, ड्यूटी फ्री जो होते नहीं होती ना, तो फिर टैक्स लगते हैं, सब कुछ लगते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन की भी सब उसमें ऐड कर लेते हैं। और ये देखें सारी कॉफ़ी की वराइटी है, ये मोमन पिक की है। टी मुझे ढूंढनी थी क्योंकि हमारी टी जब ख़त्म हो जाती बड़ा मुश्किल होता है, यहाँ पर टी नहीं मिलती है, ज़्यादातर कॉफ़ी पीते हैं, और टी मिलती है तो वो ज़्यादातर हर्बल टी होती है, अल ग्रे होती है, ट्विंग्स वाली मिलती है, और वो हम लोग नहीं पीते, ग्रीन टी तो नहीं पीती है, पैंपर की भरमार यहाँ पर मिल जाएगी। हम पाकिस्तान में कहते हैं ना बच्चे 5 साल तक का है पैंपर पहन रहा है, तो यहाँ पे 5+ का भी होता है, तो आओं को ताना देती हैं औरतें, वो ना दिया करें, यहाँ पे आप देखें। और लेकिन स्मार्टीज मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, और ऑफ़र में लगी हुई थी 1 यूरो की, वैसे ऑलमोस्ट 2.25 यूरो की है, तो हमने कहा फट से ले ली जाए क्योंकि फिर महंगी होती है ना। तो आपको हमेशा वाइजली खर्च करें, मतलब कुछ चीज़ लेना है तो ऑफ़र देखें, यहाँ पर ऑफ़र्स बहुत लगती हैं। तो मैं ये फ्रोजन आइटम में आई थी, मतलब यहाँ पे वेजिटेरियन में देखी थी, और मुझे वेजीज और फ्राइज चाहिए थी, और वेजिटेरियन पिज़्ज़ा में ले लेती हूँ, आसानी हो जाती है, कभी आपका मूड ना हो तो बस आप सॉसेजेस हलाल होते हैं वो कट करो और वेजिटेबल्स डालो जो कॉर्नस होते हैं, फिर आपको बेक कर लो। तो यहाँ मुझे वेजिटेरियन पिज़्ज़ा नज़र नहीं आ रहा था, तो ये हम ले रहे हैं आज के लिए वाला। हमारे घर में बहुत मक्खियाँ आ चुकी हैं, लग रहा है पाकिस्तान से किसी ने हमारे घर में मक्खियाँ भेजी हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है, आई थिंक यहाँ पे भी आती होंगी, मैंने तो हमारे घर में कहाँ से आ सकती हैं, बंद ही रहता है। देखती ये कौन सा है मक्खियों का, ये लग रहा है, इसको पकड़ लो, आप पे कर दूँ कौन सा नहीं,
ये मैं अपने खूबसूरत हाथों के लिए ग्लव्स देख रही हूँ, हर वक्त फट जाते हैं, तो सस्ता लेना है और टिकाऊ लेना है। कौन सा सस्ता? सस्ते की बात नहीं, ये अच्छा होता है, इसमें ये वाला ही ले लेते हैं, क्योंकि फिर दो तीन चाहिए होते हैं हर महीने तो ख़राब ही हो जाते हैं। ये भी हैं इनमें से, इनमें क्या फ़र्क होगा, कुछ ख़ास फर्क नहीं है, सब प्लास्टिक ही है आई गेस, तो फिर ये ले लेते हैं, इसके ये प्राइस है। और ये वाला भी है, इसमें क्या दो हैं जो इतने ज़्यादा महंगा दिया? नहीं नहीं, ये क्यों सेम ही है, कुछ ऐसी क्वालिटी नहीं है, चलेंगे ले लेते हैं। हम लोग ये सब चीज़ें ले रहे हैं, मशरूम, मशरूम ये वाले कट्स वाले ले लें, 139 नीचे वाले, नीचे वाले सही, कॉफलैंड वाले ले लो, टिकाऊ होते हैं, सस्ते होते हैं और टिकाऊ होते हैं, टिकाऊ ये वाले लेंगे हम लोग। सस्ती शॉपिंग भी है, देखिए ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, और हम लोग वाले लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक छोटा सा है और हम लोग ने ये वाला लिया, इनका अपना ब्रांड जो होता है, देखें ये सस्ता सा है और हम लोग ये ले रहे हैं ये वाला, ये देखें क्या ऑफ़र है, देखें ये देखें, आज हम लोग ने ऑफ़र है, लूटने आए हैं ऑफ़र। और ये इतना बड़ा सा है, और ये कितने का है? ये इतने का है, और ये पहले इतने का था, इतने का, तो ये देखेंगे पूरी। गुड मॉर्निंग, अब कोई और दूसरी ट्राई करें, ये कौन सी है मिल्च वाली, ये वाली ले लो यार, है ना ये वाली। हाँ, तो जब यहाँ आए काफलैंड तो कॉफ़ी ना पिए मज़ा नहीं आता, ये आज मैंने कैरेमल वाली ट्राई की है, बहुत ही मज़े की होती है, और सर्दियों में तो क्या ही मज़ा आ जाता है। तो हमने कहा कुछ जब तक कि बस आती है, थोड़ी सी स्नैक हो जाए, मज़ा आ जाए, थोड़ा सा इन्जॉय कर लें वेदर को भी। हम तो भाई ऐसे इन्जॉय करते हैं, खाते पीते हैं, बस अब से डाइट का भी ख्याल रखना है। तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने ऐसी डाइट की ले ली हैं जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। हेल्दी चीज़ें, हेल्दी ईटिंग करें आप लोग भी, और हेल्दी और फिट रहें। बस हम लोग ने यहाँ से ग्रॉसरी ले ली थी, और एक यही छोटी छोटी खुशियाँ होती है हम लोगों की यहाँ पर, और कोई है तो नहीं, यही ज़िंदगी है हमारी यहाँ पर। छोटी छोटी खुशियाँ को आपको चेरिश करना चाहिए, कहीं भी हों आप इन्जॉय करें। और हम लोग यही व्लॉग ख़त्म करेंगे, क्योंकि घर जाके फिर वही लाइफ, मतलब वही रूटीन होगी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को भी लेना है, तो बच्चों के साथ तो टाइम नहीं मिलता, तो मैंने कहा आज हम लोग कहीं थोड़ा सा बाहर घूमने आए हैं। तो बस ये कि अब ग्रॉसरी और ये सब शॉपिंग आप लोग देखते होंगे, अब ये नहीं कि हम लोग लाखों लुटा रहे हैं, बस वाइसली खर्च करते हैं जो ऑफ़र में होती है, देखने आ जाते हैं, या तो वीकली ऑफ़र लगती है तो अच्छी बात है, आपको हमेशा स्पेंड वाइसली करना चाहिए। और एक ये कन्वर्जन रेट का तो होता है, क्योंकि मैं नई आई हूँ, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं फिक्र ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करने लगी तो फिर आप खाएंगी पिएंगी क्या, वो तो सब कुछ छोड़ देंगे, पाकिस्तान में इतने का आ रहा है और यहाँ इतने, अब तो पाकिस्तान में भी इतनी महंगाई होगी, बस अल्लाह रहम करे। तो फिर आप लोगों से जल्दी मिलते हैं, तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें आप लोग, ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय।